अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निमराज किचन। सो आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 1/2 कप लौकी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे 1/2 कप यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी ऐड की है, चीनी जो है वो पानी छोड़ देगी तो उसी में शीरे में जो हमारी लौकी है वो कुक हो जाएगी। सो ये देखें, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको पकाएंगे ताकि जो हमारी लौकी है वो भी अच्छे से पक जाए। इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। सो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, एज यू सी के शीरे में ये पक रहे हैं। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है। सो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका हुआ है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। क्वांटिटी जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी। मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको दूध में पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। यहाँ पर पानी खुश्क हो रहा है इसका, तो दूसरी साइड पे जो है वो हम इलायची पाउडर रेडी कर लेते हैं। 3 इलायची ली थी, उसके दानों को हमने अलग कर लिया था। और अब जो हम इसका हम पाउडर रेडी कर लेंगे। पाउडर हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। ये अबाउट 1/2 टीस्पून है। सो एज यू सी के दूध जो है वो खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी डाल के इसके हम अच्छे से भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। और साथ ही इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया था। ये बहुत ही अच्छी खुशबू देती है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग। अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम लोग लौकी की। सो यहाँ पर लौकी की भुनाई हो चुकी हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, ये भी आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिल्क पाउडर डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बन जाएं। सो यहाँ पर अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट डालेंगे। कोकोनट पाउडर फॉर्म में ऐड किया इधर। यहाँ पर लौकी का हलवा हमारा रेडी है, और थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।